हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद हमारा जिस्म बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे बढ़ना लगता है। मतलब इस उम्र के बाद आपके चेहरे पर थकान, चेहरे पर झुर्रियां, कमजोरी जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस 40 साल की उम्र के बाद कई लोग डायबिटीज़, थायराइड या इम्यून सिस्टम की कमजोरी होने जैसे हेल्थ समस्याओं का रिस्क भी बढ़ जाता है। और वहीं इसके साथ साथ इस उम्र में घर परिवार, बच्चे और नौकरी का तनाव एक साथ मिलकर आप पर हावी हो जाता है, जो आपको बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे ढकेल सकता है। अगर आपकी डाइट बढ़िया है और आप स्ट्रेस फ्री है, तो आप इस उम्र बढ़ने की इस लक्षणों को धीमा कर सकते हैं और इस उम्र में भी हेल्दी और फिट रह सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दो ऐसे हथियार हैं जो आपको तगड़ा और ताकतवर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे डाइट के बारे में जो आपको 40 साल की उम्र के बाद भी भरपूर ताकत देकर आपको एनर्जेटिक रख सकता है। तो चलिए जानते हैं उन डाइट्स के बारे में जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चालीस की उम्र के बाद सेहतमंद बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का भरपूर इस्तेमाल करें और अपने जिस्म में चढ़ रहे मेटाबॉलिज्म को धीमा ना होने दें। मेटाबॉलिज्म धीमा होने से आपके खाना सही ढंग से नहीं पच पाता है और इसी की वजह से आपका जिस्म को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिनसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खाने को दिन में कई बार स्प्लिट करके खाएं, एक ही बार में पेट भर के ना खाएं और खाने को बार बार डिवाइड करके खाएं। अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर शामिल करें। यह मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन आपके मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। 40 उम्र के बाद सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें, जिसमें आप रिफाइंड की जगह साबित अनाज खाएं। दोस्तों, अनाज मेनली दो टाइप के होते हैं, एक साबित और एक रिफाइंड। मैदे जैसा रिफाइंड अनाज आपके सेहत को बिगाड़ सकता है, जैसे कि साबित अनाज आपको सेहत दे सकता है। साबित अनाज में विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। यह आपके हाजमे को बेहतर बनाता है, आपको हार्ट की समस्या से दूर रखता है और मोटापा और डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर को भी कम करता है। 40 के बाद सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आप नट्स और ड्राई फ्रूट्स खाना ना छोड़ें। नट्स में हेल्दी फैट ज़्यादा होता है, कार्ब्स कम होते हैं और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी एक मेन सोर्स होता है, जो आपकी बॉडी में नवे सेल्स की रक्षा करता है। इन्हें खाने से आपके जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है, साथ ही साथ आप टाइप 2 डायबिटीज़ से भी बचने लगते हैं। उसके साथ ये दिल की सेहत भी बनाए रखता है। वहीं दोस्तों, ज़रूरी है कि 40 की उम्र के बाद आज सेहतमंद रहने के लिए अपने खाने में दाल और फलियों का भरपूर इस्तेमाल करें, जैसे कि मसूर की दाल में फाइबर और विटामिन B9 बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे फोलेट भी कहा जाता है। मसूर खाने से आपके जिस्म में खराब कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है, वहीं ये दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और मोटापे के रिस्क फैक्टर को भी कम कर सकता है। वहीं इसमें सेलेनियम नामक एक मिनरल भी पाया जाता है, जो आपको कैंसर से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, 40 के बाद सेहतमंद रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि नॉन वेज में आप ऑयली फिश ज़रूर खाएं। दोस्तों, मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी का एक बढ़िया सोर्स होता है। ये विटामिन डी आपके हार्ट की बीमारियों को दूर रखने, कुछ प्रकार के कैंसर, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को आपके पास से दूर रखता है। वहीं विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप में डिप्रेशन, ADHD और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे साइकेट्रिक बीमारी से भी बचाता है। इन चीज़ों का भी सेवन करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आपको अपने आंतों के बेहतरीन के लिए अच्छे बैक्टीरिया वाले फूड्स जैसे कि दही, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ग्रीन टी, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम वाले फूड्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स और आँखों की मजबूती के लिए फल सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मछली, ड्राई फ्रूट्स, कई प्रकार की सब्जियां, कुछ फ्रूट्स और साबित अनाज, इनके इस्तेमाल से आप 40 साल की उम्र के बाद भी अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन 40 के बाद अपनी बॉडी में एनर्जी कैसे मेंटेन करें उसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।